प्लस यूनिट वेक्टर की डेल डेल जी एक्स वाई जेड क्यूब यूनिट वेक्टर की। अब देखिए एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं, तो 6x प्लस वाई स्क्वायर का 2y, यह हो जाएगा 10xy प्लस जेड क्यूब का 3z स्क्वायर, 3xy जेड स्क्वायर। यह रहा आपका डाइवर्जेंस। अब पॉइंट आपको दिया गया है कि 1, 2, 3, तो लिखेंगे 1, 2, 3 पर डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस इज इक्वल टू 6 × 1 प्लस 10 × 1 × 2 प्लस 3 × 1 × 2 × 9 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस 20 प्लस 54 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 80। यह रहा है आपका डाइवर्जेंस। फिर से देख लीजिए डाइवर्जेंस के बारे में। डाइवर्जेंस होता है डेल डॉट एफ, डेल है आपका आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस की डेल अपॉन डेल जे। बिंदु दिया गया है कि 1, 2, 3 पर आपको डाइवर्जेंस ज्ञात करना है। एफ मान लें कि एफ इज इक्वल टू 3x² i प्लस 5xy² j प्लस xyz³ की। डाइवर्जेंस इज इक्वल टू डेल डॉट एफ डेल ऑपरेटर इंटू एफ आई डेल अपॉन डेल एक्स जे डेल डेल वाई के डेल डेल जेड इंटू डॉट 3x² प्लस 5xy² j प्लस xyz³ यूनिट वेक्टर के। हम जानते हैं कि आई डॉट आई 1 होता है, आई डॉट जे 0, आई डॉट के इज इक्वल टू 0, इसीलिए डेल डेल एक्स 3x². इसी प्रकार जे से डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो जे डॉट आई 0, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1, जे डॉट के इज इक्वल टू 0, तो प्लस डेल अपॉन डेल वाई 5xy² प्लस डेल डेल जेड एक्स वाई जेड क्यू एक्स स्क्वायर का 2x, ये हो जाएगा 6x, वाई स्क्वायर का 2y 10xy प्लस जेड क्यूब का 3z² 3xyz². 1, 2, 3 पर डाइवर्जेंस निकालना है तो 6 × 1 प्लस 10 × 1 × 2 प्लस 3 × 1 × 2 × 9 6 प्लस 20 प्लस 54 इज इक्वल टू 80। यह 1, 2, 3 पर आपका हुआ डाइवर्जेंस। आप ग्रेडियंट समझ गए, डाइवर्जेंस समझ गए। अब हम आपको बताएंगे कर्ल। अब कर्ल के बारे में ध्यान से देखिए।
क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एफ इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर आई टू एक्स स्क्वायर वाई जेड टू एक्स वाई स्क्वायर जी माइनस थ्री वाई जेड स्क्वायर के माइनस थ्री वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई जेड स्क्वायर के जेड स्क्वायर। अब इसका हमें कर्ल ज्ञात करना है, पॉइंट नहीं दिया गया है, क्या ज्ञात करना है? कर्ल। इसका कर्ल ज्ञात करना है। अब देखिए एफ दिया गया है आपको और उसका कर्ल ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं कि कर्ल बराबर होता है कर्ल इज इक्वल टू होता है डेल ऑपरेटर क्रॉस एफ, डेल ऑपरेटर क्रॉस एफ, डेल है आपका आई, डेल डेल एक्स प्लस डी डेल डेल वाई प्लस की डेल डेल जेड क्रॉस एफ। एफ की वैल्यू दी गई है एक्स वाई स्क्वायर आई, यूनिट वेक्टर आई है, प्लस थ्री टू एक्स वाई स्क्वायर यूनिट वेक्टर जी माइनस थ्री वाई जेड स्क्वायर यूनिट वेक्टर जी। यहाँ क्रॉस है तो कर्ल होता है आपका डिटर्मिनेंट में आई जे के डेल डेल एक्स डेल डेल वाई डेल डेल जे एक्स वाई स्क्वायर टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई जेड स्क्वायर। अब इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कर रहे हैं, देखिए आई लेते हैं तो यह और यह बंद हो जाता है और लिखते हैं यूनिट वेक्टर आई, देखिए ध्यान से यह और यह बंद हो गया तो डेल डेल वाई माइनस थ्री वाई जेड स्क्वायर माइनस जे यूनिट वेक्टर जे। अब देखिए इसको लेंगे तो यह और यह बंद हो जाएगा डेल एक्स डेल डेल एक्स टू एक्स वाई स्क्वायर। एक चीज छूट गया है, ध्यान से देखिए यहां से लिए यह हो गया, इसके बाद लिखते हैं माइनस डेल डेल जेड टू एक्स वाई स्क्वायर। अब फिर लिखेंगे माइनस जी, अब माइनस जे लेंगे तो देखिए यह और यह बंद हो गया तो डेल डेल एक्स इसको लिया तो यह बंद हो गया, फिर इसको लिया तो यह
और यह बंद हो गया, डेल डेल एक्स, डेल डेल एक्स माइनस थ्री वाई जेड स्क्वायर माइनस, अब देखिए ध्यान से बंद है, यह बंद है, डेल डेल जेड यह और यह बंद हो गया, तो डेल डेल जेड एक्स वाई स्क्वायर, डेल डेल जेड एक्स वाई स्क्वायर प्लस के यूनिट वेक्टर के लेंगे तो यह और यह सीधे बंद हो जाएगा, तो डेल डेल एक्स डेल डेल एक्स टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस डेल वाई एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर टू एक्स वाई स्क्वायर थ्री वाई जेड स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर वाई थ्री वाई जेड स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर वाई, यह है टू एक्स स्क्वायर वाई फिर से देख लीजिए, आई ले लिया यह और यह बंद हो गया, तो डेल वाई माइनस डेल डेल जेड टू एक्स स्क्वायर वाई, ये ले लिया तो यह और यह बंद हो गया, डेल डेल एक्स माइनस थ्री वाई जेड स्क्वायर माइनस डेल डेल जेड एक्स वाई स्क्वायर, फिर ले लिया कि तो यह बंद हो गया, डेल डेल एक्स टू एक्स स्क्वायर वाई टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस डेल डेल वाई एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर। अब आइए आंशिक अवकलन हम कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, आई वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो जेड जीरो हो, जेड कांस्टेंट हो जाएगा, वाई का वन हो जाएगा, तो यह हो जाएगा माइनस थ्री जेड स्क्वायर माइनस, जेड के सापेक्ष ले रहे हैं तो जेड है ही नहीं है तो यह हो जाएगा जीरो माइनस जी, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो एक्स नहीं है तो यह हो जाएगा जीरो माइनस, जेड के सापेक्ष ले रहे हैं तो भी जीरो है प्लस के एक्स के सापेक्ष ले रहे हैं तो यह टू एक्स हो जाएगा, यह हो जाएगा फोर एक्स वाई, वाई के सापेक्ष लेंगे तो माइनस टू एक्स वाई, यह हो जाएगा हमारा माइनस थ्री जेड स्क्वायर आई प्लस टू एक्स वाई की। क्वेश्चन देखिए है आपका एक्स वाई स्क्वायर आई
एक्स वाई स्क्वायर आई प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई जेड। ठीक है, ये क्वेश्चन 30 नहीं है, टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस थ्री वाई जेड स्क्वायर की कर्ल होता है डेल क्रॉस एफ आई डेल डेल एक्स प्लस जी डेल डेल वाई प्लस के डेल डेल जेड इंटू एफ क्रॉस एक्स वाई स्क्वायर आई प्लस टू एक्स वाई स्क्वायर जी माइनस थ्री वाई जेड स्क्वायर के। अब ध्यान से देखिए, यहाँ आई जे के डेल डेल एक्स डेल डेल वाई डेल डेल जेड एक्स वाई स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस थ्री वाई जेड स्क्वायर। डिटरमिनेंट को हल किया, आई ले लेते हैं, ये बंद हो जाएगा डेल डेल वाई माइनस थ्री वाई जेड स्क्वायर माइनस डेल डेल जेड टू एक्स स्क्वायर वाई। अब माइनस डेल ले लेते हैं तो यह बंद हो जाता है डेल डेल एक्स माइनस थ्री वाई स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर माइनस डेल डेल जेड एक्स वाई स्क्वायर प्लस के ले लेते हैं तो डेल डेल एक्स टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस डेल डेल वाई एक्स वाई स्क्वायर। अब देखिए, वाई के सापेक्ष जब हम करेंगे तो y का वन हो जाएगा माइनस थ्री जेड स्क्वायर, और यहाँ z के सापेक्ष कर रहे हैं, z ही नहीं है तो जीरो हो जाएगा, फिर j x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x नहीं है तो जीरो, यहाँ z नहीं है तो जीरो, फिर k x के सापेक्ष किया तो फोर एक्स वाई, फिर y के सापेक्ष किया तो टू एक्स वाई, यह हो गया माइनस थ्री एक्स जेड जेड स्क्वायर आई प्लस टू एक्स वाई की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13.13 देखिए, क्वेश्चन है एक्स वाई स्क्वायर आई एक्स वाई स्क्वायर आई वाई स्क्वायर आई टू एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई जेड टू एक्स स्क्वायर वाई जेड जी माइनस थ्री वाई जेड स्क्वायर की। माइनस थ्री वाई जेड स्क्वायर कर्ल होता है डेल ऑपरेटर क्रॉस या डेल हो जाएगा आपका आई डेल डेल एक्स प्लस यूनिट वेक्टर जे डेल डेल वाई प्लस यूनिट वेक्टर के डेल डेल जे क्रॉस एफ की वैल्यू है एक्स वाई स्क्वायर यूनिट वेक्टर आई एक्स वाई स्क्वायर यूनिट वेक्टर आई प्लस
टू एक्स स्क्वायर वाई जेड यूनिट वेक्टर जी माइनस थ्री वाई जेड स्क्वायर यूनिट वेक्टर थ्री माइनस थ्री वाई जेड स्क्वायर माइनस थ्री वाई जेड स्क्वायर की। अब इसका मान डिटर्मिनेंट में निकालते हैं कर्ल के लिए आई यूनिट वेक्टर जी यूनिट वेक्टर की। अब डेल डेल एक्स डेल डेल एक्स डेल डेल वाई डेल डेल ये सेकेंड रो हो गया। थर्ड रो में देखिए यहां से थर्ड रो लिखते हैं एक्स आई के नीचे आई का कोफिशिएंट लिखेंगे एक्स वाई स्क्वायर जे के नीचे जे का कोफिशिएंट टू एक्स स्क्वायर वाई जेड टू एक्स स्क्वायर वाई जेड माइनस थ्री वाई जेड स्क्वायर। अब ध्यान से देखें डिटरमिनेंट ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले आई अगर यूनिट वेक्टर ले लिया तो यह और यह बंद हो गया डेल डेल वाई माइनस थ्री वाई जेड स्क्वायर ठीक है। फिर माइनस डेल डेल जेड टू एक्स स्क्वायर वाई जेड माइनस। अब देखिए माइनस अब यह बंद हो गया। अब डेल डेल जेड लेंगे डेल डेल जेड टू एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर वाई जेड यह रहा पहला आई लेने पर। इसके बाद माइनस जे लिखते हैं माइनस जे तो यह और यह बंद हो जाएगा तो डेल डेल एक्स डेल डेल एक्स इसका यहां मल्टीप्लाई होगा माइनस थ्री वाई जेड स्क्वायर माइनस डेल डेल जेड एक्स वाई स्क्वायर। प्लस के अब के लेंगे तो देखिए यह और यह बंद हो जाएगा तो डेल डेल एक्स डेल डेल एक्स टू एक्स स्क्वायर वाई जेड माइनस डेल डेल वाई डेल डेल वाई एक्स वाई स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो y को छोड़कर सारी चीजें कांस्टेंट है। y का वन हो जाएगा तो यह हो जाएगा माइनस थ्री वाई का वन हो गया तो माइनस थ्री जेड स्क्वायर आई माइनस जेड के सापेक्ष होगा तो यह हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई।
आई हो गया। अब आइए माइनस जी। अब यहां लें एक्स, यहां नहीं है तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो माइनस जेड के सापेक्ष ले रहे हैं, तो यहां जेड नहीं है तो उसका भी हो जाएगा जीरो। जी प्लस एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो फोर वाई जेड, फोर वाई जेड माइनस वाई के सापेक्ष कर रहे हैं तो टू एक्स वाई टी। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए फिर ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन आपका है एक्स माइनस थ्री जेड स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस टू एक्स वाई, टू एक्स वाई टू जेड माइनस एक्स, टू जेड माइनस। ध्यान से देखिए क्वेश्चन हमारा है एक्स वाई स्क्वायर आई प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई जेड जे माइनस थ्री वाई जेड स्क्वायर की, कर्ल होता है डेल क्रॉस एफ, डेल है आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई प्लस के डेल डेल जेड, एक्स वाई स्क्वायर आई प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई जेड के माइनस थ्री वाई जेड स्क्वायर की। I डिटर्मिनेंट में इसका मान होता है I J K, ठीक है। अब यहाँ डेल x डेल डेल y डेल डेल z x y स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर वाई जेड माइनस थ्री वाई जेड स्क्वायर। I को जब लेते हैं तो यह बंद हो जाएगा डेल डेल y माइनस थ्री वाई जेड स्क्वायर माइनस डेल डेल जेड टू एक्स स्क्वायर वाई जेड, जे लेंगे तो माइनस जे लेंगे तो यह बंद हो जाएगा डेल डेल एक्स माइनस थ्री वाई जेड स्क्वायर माइनस डेल डेल जेड एक्स वाई स्क्वायर, के लेंगे तो यह बंद हो जाएगा तो डेल डेल एक्स टू एक्स स्क्वायर वाई जेड माइनस डेल डेल वाई एक्स वाई स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए वाई के सापेक्ष करेंगे तो वाई का वन हो जाएगा तो माइनस थ्री जेड स्क्वायर, जेड के सापेक्ष कर रहे हैं तो जेड का हो जाएगा वन तो माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई आई हो गया, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं एक्स नहीं है तो जीरो, जेड के सापेक्ष करने पर जेड नहीं है तो जीरो प्लस, यहाँ x के सापेक्ष हम कर रहे हैं जब तो x स्क्वायर का 2x तो 4 वाई जेड, 4 एक्स वाई जेड, 4 एक्स वाई जेड माइनस y स्क्वायर का 2y तो 2 एक्स वाई के। इसको लिख सकते हैं हम माइनस बाहर निकाल लें तो 3 जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई यूनिट वेक्टर आई प्लस टू एक्स वाई कॉमन निकाल लें, तो टू जेड माइनस वन की। ये रहा है आपका कर्व।